हम लोगों ने लास्ट में कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल करा था, बच्चों को याद होगा भाई। कंपैरेटिव पीएल स्टेटमेंट के मैं कुछ आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहा हूं। वैसे मैंने 12 तक होमवर्क दिए थे, जिन्होंने ट्राई करे होंगे वो अपने अपने आंसर्स एक बार मिला ले। मैंने लास्ट आपको 6 तो क्लास में बोला था, 7th एक अच्छा क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं आपको। सारे बच्चे देखिए प्लीज, पहले 7th करने के पहले फॉर्मेट तैयार कर ले। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल, सेवेंथ का सारे बच्चे प्रॉपर एक फॉर्मेट तैयार कर लो। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है गाइस, हमारे पास आ जाएगा। ईयर है 31st मार्च 14, और 31st मार्च 15, वी गॉट 2 ईयर्स, 31st मार्च 14, 31st मार्च 15, उसके बाद वी हैव इंक्रीज और डिक्रीज। उसके अलावा इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, वी हैव इंक्रीज और डिक्रीज। उसके अलावा हमारे पास है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। सबसे पहले स्टार्ट विथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 20 लाख 25 लाख, पांच लाख का इंक्रीज आ गया भाई, इसकी परसेंटेज निकाल लो। 5 लाख ओवर 20 लाख इनटू 100, दिस वर्क्स आउट टू बी 25%, 25%। फिर जोड़िए इसमें अदर इनकम्स, 5 लाख 1 लाख, टोटल अदर इनकम्स 5 लाख 1 लाख, 4 लाख का डिक्रीज आ गया। 5 लाख 1 लाख, 4 लाख का डिक्रीज। अब देखते हो 4 लाख ओवर 5 लाख इनटू 100, ये डिक्रीज है बच्चा 80%, ब्रैकेट में शो करेंगे बिकॉज डिक्रीज है। टोटल रेवेन्यू 25 लाख रुपए, टोटल रेवेन्यू 26 लाख, 26 लाख रुपए का टोटल रेवेन्यू आता है। ओके, उसके बाद एक्सपेंसेस पर आइए। भाई सारे बच्चे एक्सपेंसेस पर आएंगे, एक्सपेंसेस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 50% and 60% आपको मेंशन कराओ। आपको मेंशन कर दिया 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू, इसका मतलब 20 लाख का 50%, दिस वर्क्स आउट टू बी 10 लाख रुपए, और 25 लाख का 60%, क्योंकि आप देख रहे हैं। अच्छा एक मिनट, सॉरी गाइस, टोटल रेवेन्यू लिखा है, आई एम सॉरी, टोटल रेवेन्यू का मतलब ये हो गया, आई एम सॉरी, ये टोटल रेवेन्यू होता है,
अदर इनकम्स ऐड करके अगर वर्ड लिखा हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो फिर आप सिर्फ ऊपर वाले का 50-60% करोगे, बट अगर वर्ड लिखा है टोटल रेवेन्यू दैट मींस अदर इनकम्स ऐड करके जो टोटल आता है उसका आपने करना है, तो आप करोगे यहां पर 25 लाख का 50%, 25 लाख का 50% 12,50,000 और 26 लाख रुपए का 60% दैट्स 15,60,000। ये सारे चेक करते हैं, इसका गैप 3,10,000 रुपए, 3,10,000 का गैप आ गया भाई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का, सारे बच्चे देख सकते हैं 3,10,000 का गैप आ गया। Then we have other expense. अब सुनिए, other expense में क्या लिखा है? कहता है जो employee benefit expense आए हैं उनका 20% और उनका 10%, ये other expense है, language पढ़ लीजिएगा। So इसका 20%, 12,50,000 का 20%, 2,50,000 रुपए, और इसका 10%, 1,56,000, यहां पर decrease हो गया, डिग्रीज 94,000। ये हमारे एक्सपेंसेस का टोटल, ये सारे बच्चे चेक कर रहे भाई, ये हमारे एक्सपेंसेस का टोटल, टोटल ऑफ एक्सपेंस 15 लाख रुपए और 17,16,000 रुपए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25 लाख और 15 लाख का डिफरेंस, 10 लाख और उधर से 26 लाख माइनस 17,16,000 दैट वर्क्स आउट टू बी 8,84,000। ये मैंने क्या करा, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस निकाल दिया, ये टोटल रेवेन्यू सपोज ए, ये बी, ये आ गया ए माइनस बी, दैट्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, इसमें ना आप लोगों ने एक चीज और करनी है जो मैंने आपको बताया था, जो टोटल्स आए हैं उनके भी चेंज निकालकर परसेंटेज निकालने हैं। जैसे 25, 26, 1 लाख हो गया, 1 लाख को 25 से डिवाइड करके इनटू 100, 4%। यहां पर 15 लाख और 17,16, आप देखोगे 2,16,000। अच्छा, इनके भी परसेंटेज निकालने बाकी हैं अभी, जैसे ये 3,10/1,250 × 100 दिस वर्क्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 25%, फिर 94/2,50,000 × 100 दिस वर्क्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 37% नेगेटिव, ब्रैकेट में 2,16/15,00,000 × 100 दिस वर्क्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 14%। बेटा बच्चों को समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? फॉर्मूला याद है लास्ट क्लास का, इंक्रीज और डिक्रीज ओवर ओल्ड वैल्यू इनटू 100, याद रखें। अब आपके पास आगे क्या दे रहे, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ठीक है, इसका चेंज देखिए, इसमें डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीज 1,16,000 का डिक्रीज है, 1,16/10,00,000 × 100 अप्रोक्सीमेटली 11.6%, 1,16/10,00,000 × 100 हमारे पास कितना परसेंटेज आ रहा है, 11.6%। आगे सुनिए, टैक्स कितना है, टैक्स अगर आप इसको चेक करते हो हमारे पास लिखा हुआ है 40%। बेटा आपने इसी का 40% लेना है, 10 लाख का 40%, 4 लाख रुपए का टैक्स हो गया। फिर आगे लिखा हुआ है 50%, 8,84 का 50%, 442। याद रखे प्रॉफिट का ही टैक्स लेते हैं, 10 लाख में से 4 लाख निकाल दो,
₹6,00,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, उधर 884 में से 442 निकाल दो, 442 हमारे पास आ गया बाकी बैलेंस, इनका डिफरेंस लीजिए, 42,000 का इंक्रीज है, परसेंटेज निकालिए, 42 ओवर 4 लाख इनटू 100, अप्रॉक्सिमेटली 10.5%, इधर इनका भी डिफरेंस लीजिए, 1,58,000 का डिक्रीज है, डिक्रीज, और परसेंटेज निकालेंगे तो 26.33% का डिक्रीज, 26.33% का डिक्रीज है, बेटा सारे बच्चे देख लो, सेवेंथ क्लियर है सारे बच्चों को, चलिए कितने लोगों ने 12 के फिर घर पे ट्राई करें ऑनेस्टली बताना जरा, चलो गुड, एटलीस्ट देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स और ऑनेस्ट। अभी जैसे ये 8th क्वेश्चन था जो गलती से 9 लिखा हुआ था, इसमें क्या था भाई, इस क्वेश्चन को देखना, आपको लिखा है 12 लाख का 300% रेवेन्यू है, 10 लाख का 200%, उल्टा चलना है, ठीक है, तो आपको यहां पर जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें मैं स्प्रिंट था मैंने ठीक करवा दिया था, वो क्वेश्चन नंबर 8 यही था, बच्चे चेक करेंगे बेटा ईयर दिया हुआ है 31 मार्च 15 31 मार्च 16, इंक्रीज और डिक्रीज, और बाकी आपको परसेंटेज मेंशन करी हुई, इंक्रीज डिक्रीज और बाकी क्या मेंशन करा हुआ है, परसेंटेज चेक करिए, आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल 12 लाख 10 लाख दे रहे हैं, अब देखिए 200% 300% आरएफ हुआ आपके पास, अच्छा 10 लाख का 200% कर लो भाई, 20 लाख हो गया, उधर 12 लाख का 300% कर लो, 36 लाख हो गया, मतलब 3 टाइम्स, सिंपल सी बात है 3 टाइम्स, 16 लाख का इंक्रीज है, परसेंटेज निकाल लो, 16 लाख ओवर 20 लाख इनटू 100, दिस वर्क्स आउट टू बी 80%, ये 80% आ गया, आगे सुने, हमारे पास क्वेश्चन में अदर इनकम्स है नहीं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें गिवन है 10 लाख 12 लाख, बेटा 2 लाख का इंक्रीज है, ठीक है, गैप आ रहा 20% का, आगे चलिए, देन वी हैव अदर एक्सपेंसेस, अब देख रहे हैं सारे, वी हैव अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस अगर आप देखते हो 10% और 20% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो भाई 10% का मतलब हो गया 1 लाख और 20% हो गया 240, इंक्रीज 140, अब 140 ओवर 1 लाख इनटू 100 करोगे तो 140% आ जाता है, याद रखेंगे 140%, अब टोटल खर्चे 11 लाख रुपए, इधर 14,40,000 रुपए, इधर टोटल 340, टोटल कितना 340, अच्छा एवरीबॉडी इज क्लियर, ओके, उसके बाद
नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस रेवेन्यू में से ये माइनस कर लीजिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आएगा 9 लाख 21,60,000 टोटल 1260 1260 को 9 लाख से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दिस वर्क्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली अब देख लीजिए भाई डिवाइड करने के बाद 140% इसका भी परसेंटेज निकाल लो 340/110 बेटा 110 बोल रहा हूं 11 लाख दिस वर्क्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 31% टैक्स कितना है 50% का टैक्स है टैक्स अगर 50% है 9 लाख का 50% ले लो यह आता है 4.5 लाख और 21,60,000 का 50% यह आता है 10,80,000 बाकी बैलेंस 450 1080 इसका गैप लीजिए 630 इधर 630 और 450 इंटू 100 140% बच्चे एवरीबॉडी क्लियर ओके अब इसका डिफरेंस लीजिए डिफरेंस 630 और परसेंटेज सेम सारे बच्चे इसको चेक करें भाई कि आप लोगों ने सबने ठीक करा हुआ है उसके बाद बच्चे एक्चुअली में एक 9th क्वेश्चन जो आता है उसको देखें मैं सबके आपको फटाफट सॉल्यूशन बता रहा हूं ताकि जितने शरीफ बच्चों ने करा है सब वो आपस में कंपेयर करके अपने आंसर्स मिला लें अब इसमें ना एक अच्छी बात है आपको सेल रिटर्न के बने तो पहली बार आपके पास नेट सेल आएगा क्वेश्चन में सेल रिटर्न दी हुई है भाई तो हमारे पास नेट सेल भी आएगा बट एक प्रॉब्लम है आपको लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 50% ऑफ RFO नेट नेट का मतलब होता है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग सेल रिटर्न RFO कौन सा लेना है नेट बट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग सेल रिटर्न अदर एक्सपेंस 10% 20% ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो याद रखना नेट का मतलब हो गया सेल रिटर्न माइनस करने के बाद ठीक है और उसके बाद छोटी सी बात याद रखिएगा इनकम टैक्सेस 40% 40% ये आपको मेंशन कर रहा है ओके बट इसमें एक फंडा है नेट में से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड माइनस करने के बाद जो फिगर आती है आपने अदर एक्सपेंस उसका लेना है ये लैंग्वेज पढ़ लेना ठीक है कैसे अब इसमें एक अच्छी बात जो पॉइंट आ रहा है वो मैं आपको डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन सारे यहां से देखें अगेन 4 कॉलम खाली बच्चा आप लोग ये पॉइंट्स ही याद रखने हैं पहला 31st March 16 31st March 17 वी हैव इंक्रीज डिक्रीज एंड वी हैव द परसेंटेज सबसे पहले आपको निकालना है नेट आरएफओ कैसे निकालना है सेल्स लीजिए
सेल्स है 1718, सॉरी इट इज 1718, यह ठीक कर लेना भाई, 17-18 है, आपको दिया हुआ है 21 लाख 24 लाख 21 लाख 24 लाख, 3 लाख का इंक्रीज है, क्या दिया हुआ है 21 लाख 24 लाख 3 लाख का इंक्रीज है, ओके, सेल रिटर्न 1 लाख 4 लाख, 1 लाख 4 लाख, इसको लेस करना है, 3 लाख का इंक्रीज है, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते वरना वो लगेगा डिक्रीज है, ये ब्रैकेट में से लिखा बिकॉज ये माइनस करना है, तो नेट मेरे पास आ गया 20 लाख और 20 लाख, नो चेंज, ठीक है। अब आप परसेंटेज भी नहीं निकालोगे इसकी, बेटा सारे बच्चे समझ गए, चेंज नहीं तो परसेंटेज नहीं, आगे सुनिए, फिर इसमें एक्सपेंस आता है, एक्सपेंस में पहली आइटम आती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, आपके पास क्या दे रहा है भाई, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 60% 50%, 60% का मतलब हो गया 20 लाख का 60% 12 लाख रुपए, इधर 50% 20 लाख का 50% 10 लाख रुपए, 2 लाख का डिक्रीज हो गया भाई, वी हैव 2 लाख का डिक्रीज, सारे बच्चे चेक कर लो, सारे बच्चे भाई 2 लाख का डिक्रीज क्लियर है, ठीक है। आगे सुनिए, इसका परसेंटेज निकालो, 16.67%, इट इज 16.67%, और ये भी ब्रैकेट में, ओके। उसके बाद अब अदर एक्सपेंस कैसे आएंगे समझना, 20% and 10%, अब बच्चे देखें भाई 20% 10% में कौन से फिगर पे लूंगा, उसने बोला है 20 लाख में से 12 लाख लेस कर लो, कितने फिगर आती है 8 लाख, 8 लाख का 20% लो, 1,60,000, सारे बच्चों को समझ में आया बेटा मैं क्या कर रहा हूं, नेट रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम माइनस करो, सब में लिखा हुआ है, और जो बैलेंस आता है उस बैलेंस का आप 20% लोगे, जैसे यहां पर आएगा ये देखो 20 लाख में से 10 लाख निकालो, कितना रहेगा 10 लाख, 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए, ये अदर एक्सपेंस 60,000 का डिक्रीज हो गया, इसकी परसेंटेज निकाल लो, 60,000 over 160 इंटू 100 37.5%, इसका सारे बच्चे टोटल्स वगैरह कर लो, 1360 11 लाख, इसका गैप चेक करो बेटा 1360 और 11 लाख का, यह आता है 2,60,000 रुपया नेगेटिव। अब इसकी परसेंटेज में निकालो, इसकी परसेंटेज निकालोगे 19.12%, इट इज 19.12%,
Okay. Then we have profit before taxes. ये देखिए, ये रहा 20 लाख, ये रहा 1360, माइनस करिए 640, इधर आ गया 20 लाख, 11 लाख, माइनस करिए 9 लाख रुपए, इसका गैप 260. बेटा उम्मीद करूंगा सारे बच्चों को फिगर्स पता लग रही है, मैं कैसे कैसे फिगर्स ले रहा हूं. टोटल रेवेन्यू में से टोटल खर्चे निकाल दीजिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, उनका डिफरेंस लिया 260, 260 को 640 से डिवाइड करिए. ये देखिए 260 ओवर 640 इनटू 100, दिस वर्क्स आउट टू बी 40.63%. अब इसमें टैक्स लीजिए 40% का, सब में लिखा हुआ 40% का टैक्स लीजिए, 640 का 40%. भाई याद रखें 40% का टैक्स लीजिए, 640 का 40%, 2,56,000. उधर से 9 लाख का 40%, 360 डिफरेंस 1,04,000. यह आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस. 640 में से 356 निकाल दीजिए, 3,84,000. जी प्रॉब्लम है कोई? और 9 लाख में से 360 निकाल दो, 540. बोलो बच्चा क्या प्रॉब्लम है? वो नेगेटिव नहीं आता काका जी, वो माइनस करना है, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ. चलो रहने दो, ये लो, ये खाली बता रहा हूं कि इसको माइनस करना होता ना तभी तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, वो नेगेटिव नहीं आता, उसको माइनस करना है आप लोगों ने. 260 माइनस 1,04,000, 156,000. अब इनकी परसेंटेज निकालो. हाँ जी, जब डिक्रीज होगा तो आप ब्रैकेट में लिखो, बाकी रह दो. अगर डिक्रीज होगा तो ही आप इंक्रीज डिक्रीज को ब्रैकेट में लिखो, बिकॉज ब्रैकेट का मतलब होता है डिक्रीज हो रहा है, तो आप मत शो करो उसका. और आप इसकी भी परसेंटेज निकालोगे तो वो भी कोइंसिडेंटली सेम आ रही है, 156 को डिवाइड करके 40.63%. ये चैप्टर बहुत इजी है, मैंने पहले ही कहा था, सिर्फ कैलकुलेशंस पे बेस्ड है. बच्चा कैलकुलेशन सही करता जाए कभी दिक्कत नहीं आएगी. रेक्टिफाई और कैलकुलेशन यू विल नेवर फेस प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन 10 चेक कर लो बेटा. अब इसमें एक छोटा सा नया पॉइंट दिया हुआ है आपको, लिखा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंटरीज. उसे घबराना नहीं, कुछ खास नहीं होता. मुझे आपको एक्चुअली ये चेंज इन इन्वेंटरीज का फंडा बताना है, ये वाला. इसके कारण आपको एक बार ये सम करा रहा हूं, वरना मैं छुड़ा देता. इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जिस वजह से मुझे ये सम आपको बताना पड़ेगा. बच्चे सारे फोकस करें प्लीज. हमारे ईयर गिवन है 2018. अच्छा, अब एक चीज और, बच्चे को ना हर बार रिवर्स करने की आदत पड़ जाती है.
बेटा रीड द इयर्स केयरफुली, मैं बार बार बोलता हूं रीड द इयर्स केयरफुली। अब यहां पर सीधे सीधे दिए हूं, हम लोग इतने सारे सम कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर बाद में दिया होता था और हमें वो हैबिट सी पड़ जाती है, अब उसी तरीके से क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। बट रीड द इयर्स केयरफुली। अब यहां पर क्या है, 30 और 40, थर्टी लाख्स, 40 लाख्स इंक्रीज 10 लाख और आपको आगे दिया परसेंटेज। इसकी परसेंटेज 10 लाख ओवर 30 लाख इज अप्रोक्सीमेटली 33.3%। अब इसमें आइए एक्सपेंसेस, स्टॉक इन ट्रेड 19 लाख 20 लाख आपने परचेज करा, एक लाख रुपए का इंक्रीज है, भाई साहब एक लाख रुपए का इंक्रीज है, एक लाख को 19 लाख से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 5.26% अप्रोक्सीमेटली। अच्छा अब सुनो, जिसके वजह से आपको क्वेश्चन करवाया, चेंज इन इन्वेंट्री, छोटा सा पॉइंट है बट कुछ बच्चे इसको गलत कर जाते हैं। अब देखोगे एक फिगर आपको नेगेटिव में गिवन है, एक फिगर आपको नेगेटिव में गिवन है, दैट मींस 1 लाख आपको दी हुई है नेगेटिव में और 2 लाख पॉजिटिव में। जब आपको इसका चेंज निकालना है ना, तो आपने कैसे निकालना है, आप दोनों को माइनस करके चेंज निकालते हो। देखना बच्चा रफ वर्क, रफ वर्क समझना। आप नॉर्मली क्या करते हो, 2 लाख माइनस माइनस 1 लाख, बेटा चेंज करने के लिए यही करोगे ना, आप दोनों का डिफरेंस निकाल दो, दोनों को माइनस करोगे, बट वो ऑलरेडी 1 लाख नेगेटिव में है तो वो माइनस माइनस क्यों हो जाएगा, प्लस। तो यहां पर 3 लाख रुपए का इंक्रीज आ जाएगा। बस खाली ये फंडा याद रखना, कोई एक फिगर नेगेटिव में हो तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सो वो कोई एक फिगर नेगेटिव में होने की वजह से आपके पास 3 लाख रुपए आ गया। ओके, बाकी सिंपल है, अदर एक्सपेंस 180 176, 16,000 रुपए नेगेटिव, सॉरी 16 बोल रहा हूं, 4,000। गाइस इसका टोटल कर लें, ये हमारा सबके परसेंटेज वगैरह भी इसके निकालने हैं। अब जैसे आप पहले वाले का परसेंटेज निकालते हो, 3 लाख ओवर 1 लाख, इसको देखना, 3 लाख ओवर 1 लाख इनटू 100, 300%। अभी इसको पॉजिटिव में लिखना है क्योंकि इंक्रीज है, बट ये 4000 ओवर 180 इनटू 100 दिस वर्क्स आउट टू बी 2.2%, बट ये नेगेटिव में आएगा बिकॉज डिक्रीज है। अब आप जब इसको एड ऑन करोगे, याद रखना एड ऑन 19 लाख प्लस 180 माइनस 1 लाख, आई रिपीट 19 लाख प्लस 180 माइनस 1 लाख, तो अब यहां पे करते हो दिस वर्क्स आउट टू बी 19,80,000। इधर से 20 लाख और सबको प्लस कर लो, दिस वर्क्स आउट टू बी 23,76,000। इसका डिफरेंस 396, परसेंटेज 396 ओवर 19,80,000 इनटू 100 अप्रोक्सीमेटली 20%। अब इसके बाद आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, ये रहा ए, ये रहा बी,
माइनस कर दो, आपके पास आ गया 10,20,000 और 16,24,000, चेंज 6,04,000 और परसेंटेज निकाल लो, 6,04,000 ओवर 10,20,000 इनटू 100 अप्रोक्सीमेटली 59%। आपको डेसिबल में परसेंटेज देखने की जरूरत नहीं है, खासकर जो बच्चे सीबीएसई वाले हैं, क्योंकि जो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। आप खाली इतना ही करें, 6,4 ओवर 10,20 इनटू 100 बच्चा मुझे बताइए सारे बच्चों को क्लियर है ये कहानी? ओके बेटा, जितने बच्चों ने सम करे थे कितनों का सारा सम राइट था? चलो गुड, शाबाश, काफी सारे बच्चे। इलेवेंथ देखिएगा, इलेवेंथ में एक आपके पास पॉइंट दिया हुआ बहुत अच्छा, आपको लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और ईयर रिवर्स गिवन है, तो पहले आप रिवर्स को सीधा कर लें। इंक्रीज डिक्रीज एंड देन वी हैव परसेंटेज। रेवेन्यू 30,50,000, टोटल 20,00,000 आ गया, 20,00,000 आ गया, इसकी परसेंटेज निकालो, 20,00,000 ओवर 30,00,000 इनटू 100 अप्रोक्सीमेटली 67%। फिर बात करते हैं खर्चों की। अच्छा खर्चे ना आपको दिए हुए जानबूझ के उल्टे पुल्टे, कोशिश करना ऑर्डर में चलो। आपको याद होगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पहले आता है, तो उसने जानबूझ के आपको खर्चे गलत ऑर्डर में दिए हुए, आप कोशिश करके ऑर्डर में लिखें। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अगर आप याद करें सीपीसी ईएफडीओ, तो ई पहले आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पहले आता है, सुबह 3,04,00,000 इसमें और कुछ नहीं है। वन लाख का इंक्रीज, ओके वी हैव फाइनेंस कॉस्ट, सत्ताईस और तीस, तीन लाख का इंक्रीज। अगर आप देखते हैं भाई 1,00,000 को 3,00,000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 33% अप्रोक्सीमेटली। इधर 3,00,000 को 27,00,000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 11%। अदर एक्सपेंस पचास और चालीस, दस हजार का डिक्रीज है, पचास और चालीस
10,000 का डिक्रीज है, 20% आ गया टोटल का डिक्रीज, 30-50 34-40 इसका चेंज 390 परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 13% 390 को डिवाइड करा 30-50 से 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जरा सारे बच्चे बड़े एक फोकस वाली बात सुन, अच्छे तरीके से समझना सारे। अब इसमें आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। अब मजे की बात क्या है कि जब आप इसमें से इसको लेस करोगे तो 50,000 चला जाएगा नेगेटिव और 50 लाख में से 34-40 लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15,60,000। 50,000 चला गया लॉस, लॉस पे टैक्स नहीं होता, बस खाली ये बात याद रखना, लॉस पे टैक्स नहीं पे करना पड़ता, टैक्स पे करते हैं प्रॉफिट पे। तो जब टैक्स लेस करने की बात है, जैसे यहां लिखा हुआ है कि टैक्स 40% है नेट प्रॉफिट का, तो यहां पर टैक्स ले लो जाए क्योंकि यहां पर तो लॉस है। इसका बच्चे यही पॉइंट याद रखें कि लॉस पे टैक्स नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखिएगा, मेरे पास यहां पर आ गया 1560, 1560 का 40% आ गया 6,24, 6,24 आ गया, तो यहां 6,24 का ही इंक्रीज दिखाकर 100% कर दीजिए। बाकी यहां पर लॉस हो गया 50,000 और यहां पर रह गया बाकी 9,36,000। और जब इसका चेंज निकालोगे, भाई बच्चों को पता है दोनों प्लस हो जाएंगे चेंज निकालने वक्त, क्योंकि एक फिगर नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 9,86,000 हो जाएगा। इधर भी सेम, ये वाली फिगर पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव है, इसको जब माइनस करोगे तो आपके पास इनफैक्ट दोनों प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 16,10,000। भाई ये चीजें याद रखिएगा सारे बच्चे, कंपनी को अचानक से लॉस से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, इससे कंपैरिजन पता लगता है। अच्छा क्लियरेंस आया बच्चों को? अच्छा लास्ट सम में एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर देता हूं, ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है कि आपने परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेना है 60 और 50। अब बच्चा बोलेगा सर हम लोग आरएफओ शो कर लेंगे, अदर इनकम भी ठीक है, आरएफओ का 15% 20% है, बट ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होता है? बट एक कुछ नहीं होता, ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब आरएफओ का दूसरा नाम, तो वो आरएफओ को ही हम लोग ऑपरेटिंग रेवेन्यू मानते हैं। क्यों? ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होता है? जो बिजनेस के ऑपरेशंस करके आपको पैसा आता है उसे ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोला जाता है। तो घबराना नहीं, अगर आपको 60-50% बोला तो आपने सीधा आरएफओ का करना है, उसमें अदर इनकम्स नहीं लेनी, क्योंकि ऑपरेटिंग रेवेन्यू मींस द रेवेन्यू व्हिच वी हैव अर्नड आफ्टर डूइंग बिजनेस, आफ्टर डूइंग बिजनेस ऑपरेशंस। तो बिजनेस ऑपरेशंस करके जो मुझे रेवेन्यू आता है उसे हम कहते हैं आरएफओ। तो वो आपको एक्सपेंस सिर्फ आरएफओ का ही 60 और 50% करना है। इज दैट क्लियर गाइस? किसी को डाउट है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गाइस, जाने के पहले एक तो सारे बच्चे अपने अपने पेपर्स ले जाएं, ठीक है, करेक्ट योर पेपर्स,
और दूसरा कल हमारी क्लास मॉर्निंग में है सुबह 10 o'clock. सारे बच्चों के कल स्कूल्स ऑफ है, सो कल हम सुबह 10 बजे मिलेंगे. कोई छुट्टी मत करना, सुबह 10 o'clock.